रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश एवं मार्गदर्शन पर तेउथर एसडीएम संजीव पांडे की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छापामार कार्यवाही। तेउथर के ग्राम परड़ी में दबिश देते हुए भारी मात्रा में यूपी से लाई गई धान की खेप पकड़ी गई। कार्यवाही के दौरान 250 से अधिक बोरियां जब्त की गई हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करने जा रही है। वहीं इस खरीदी के दौरान यूपी से बड़े पैमाने में धान की खेप चोरी छुपे लाई जाती है और समिति प्रबंधकों की मिली भगत से उन्हें खपाया जाता है। उक्त कार्यवाही से क्षेत्र में अवैध कारोबारियों के बीच मचा हड़कंप।